मैं दिल्ली के लोगों को, बिहार के लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनको हम लोग याद करते हैं जी, और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए आज बड़ा गंभीर विषय था, सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी ओबीसी एससी एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% आदित्य ने रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गिनना हमारी सरकार ने कराई केवल 17 महीने, और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गिनना का तो 85% जो बहुजन समाज है लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा, और उसके बाद हम लोगों ने मांग की, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गंदा रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है आरक्षण को भी रोकने का काम। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल नाइन में डाल दिया जाए, केंद्र सरकार विधानसभा से। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन 9/11/2023 को पारित हुआ, कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए, और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल नाइन में डालो, तो नहीं डाला गया, इस पर कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी तभी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी, तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निग्लेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिया। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है इसलिए रोका। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था, यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी, 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया तो भी जो है ये खारिज हुआ, तो इसको शेड्यूल नाइन में लोगों ने डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, यदि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए, और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के बजाय 85% वाला हम लोग ले आते, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था, फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया, आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी ईडब्ल्यूएस भी हुआ था? इसी का कारण है ना कि आरजेडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको से लेना ले लो, हम चिंतित हैं केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास। सर लेकिन 85% आरक्षण। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं?
जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके। तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहां अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।